गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं राज की बात। राज की बात इज इन एसोसिएशन विद आरके साइकोथेरेपी। ऑल थैंक्स टू डॉक्टर राकेश कृपलानी। माय फूड पार्टनर इज मधुराम साउथ इंडियन कैफे। माय आइसक्रीम पार्टनर इज लिक्स्टर्स। माय हॉस्पिटैलिटी पार्टनर इज वन लाइफ विच इज इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट रिजॉर्ट विजिट एट पेंच। माई स्टार्टअप पार्टनर इज AV ई कॉमर्स सोल्यूशंस। अगर आपके पास हैं कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए तो इनके पास खरीदार है। आई थिंक ये बात बहुत हजारों लाखों करोड़ों भारतीयों के बारे में है। आज का इंटरव्यू मुझे ऐसा लगता है कि सबने देखना चाहिए। और बात ही कुछ ऐसी है, जो फोर फादर्स का पैसा जिनके पास है, उनके पास दो किस्म की सुविधाएं हैं। एक उनका खुद का घर है, दूसरा उनकी काम करने की भी जो जगह है वो खुद की है। अब ऐसे करोड़ों हिंदुस्तानी हैं जो या किराए के घर में रहते हैं या उनकी जो दुकानदारी है वो किराए की है। किराया भरते भरते उनके कई सारे लोगों के तो जन्म गुजर जाते हैं, कई सारी जनरेशन्स बन जाती है, लेकिन उनका वो परिवार का खुद का घर नहीं बनता। कई ऐसे परिवार हैं जिनका खुद की दुकान नहीं बनती। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समझना ज़रूरी है, जो हम शायद अपनी नॉर्मल लाइफ में जीते हैं। हम घर किराए पर लेते हैं, तब तक किराएदार का बिहेवियर हमारे साथ बड़ा अच्छा रहता है, मकान मालिक का बिहेवियर हमारे साथ बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद जब हम हर महीने उसको किराया पहुंचाते हैं, तब भी मकान मालिक का जो बर्ताव है और जो उसका जो तरीका है वो सही रहता है। द मोमेंट आप किराया लेट करते हैं, पहले महीने उसकी भाषा बदलती है, दूसरे महीने उसकी भाषा बदलती है, तीसरे महीने से उसके बर्ताव में बहुत फ़र्क आना शुरू हो जाता है। अब जब आप किसी घर में रहते हैं, किराए के भले ही घर में रहें, आप बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जिसमें से एक घर का पेंट हो, घर में पानी की सुविधाएं, घर का इलेक्ट्रिसिटी, घर में जितनी भी कंस्ट्रक्शन है उसका आप ध्यान रखते हैं। कहीं छोटी टूट फूट हो जाए तो आप वहाँ पर खुद होकर खर्चा करते हैं और वो चीज़ें बनाते हैं। वहीं दुकानदारी वाली जब बात आती, तब आप एक दुकान किराए पर लेते हैं, एक ऐसी दुकान जो शायद जिसका शटर आप पहली बार खोलते हैं, मकान मालिक आपको वो किराए पे दे देता है, आप वहाँ पर अपनी दुकानदारी बसाते हैं। मतलब आप बहुत मेहनत करते हैं वहाँ पे, आप अपना पूरा खून पसीना एक करते हैं, वो जगह को एक वैल्यू देते हैं, वो जगह आपकी किस्मत से चलने लगती है, आपकी ताकत आप पूरी लगाते हैं और उसके बाद वो जगह की वैल्यू आप बना देते हैं। और फिर एक दिन किराएदार आता है और बोलता है कि भाई तुम्हारा किराया बराबर हो नहीं रहा। मतलब लैंडलॉर्ड आता है और वो किराएदार को कहता है कि तुम्हारा किराया बराबर तुम दे नहीं रहे, अब वो तुम दुकान खाली करो। ये जो पिछले 6 महीने गुजरे कोविड के, ये 6 महीनों में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लाखों किराएदार होंगे जिनके मकान मालिक ने उनको किराया भरने के लिए प्रेशराइज़ किया होगा। भले बार बार सरकार कह रही थी कि कोई भी मकान मालिक किराएदार से ज़ोर ज़बरदस्ती न करें, गलत भाषा का इस्तेमाल न करें, लेकिन ऐसे कई सारे किराएदार हैं, कई सारे ऐसे मकान मालिक हैं जो किराएदारों को अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करना, गुंडागर्दी की बात करना या फिर लीगल जाकर उनको घर से निकलवा देना। अब जिस परिवार में गुंडागर्दी बहुत रेगुलर है उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उन वो तो लड़ लेते हैं। आज सुबह भी एक खबर आई कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में झगड़ा हुआ, मकान मालिक ज़ख्मी हो गया, और ये आए दिन ये खबरें आती हैं। जब जो परिवार, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ, जो किराया भरने में सक्षम है लेकिन वक्त ने उनके काम धंधे को बड़ा ठप कर दिया, उनके व्यवसाय को ठप कर दिया, उनके पास अब वो अबिलिटीज़ नहीं रही, वो कैपेबिलिटीज़ नहीं रही, वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहा कि वो किराया भर सके, वो किराया नहीं भर पा रहे। और ये मकान मालिक किस किस्म का प्रेशर उसमें डेवलप करते हैं, ये हम आए दिन अखबारों में पढ़ने की हमको, मतलब मैं आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आज जब मैंने ये सोचा कि क्या वाकई में सिर्फ लैंडलॉर्ड जो है उसी के पास अधिकार है,
क्या एक किराएदार ने एक मकान ले लिया किराए पे या एक दुकान ले ली किराए पे, तो क्या उसने अपने जीवन की चाबी लैंडलॉर्ड को दे दी? क्या एक किराएदार जो है उसने अपनी पूरी जिंदगी एक मकान मालिक के हाथ में या दुकान मालिक के हाथ में किराए पे दे दी? आज ये सवाल का जवाब मैं सुबह से सोच रहा था, मैं क्या करूँ, मैं किससे पूछूँ, मैं किससे पूछूँ। मेरे जहन में एक नाम आया, ये नाम वो नाम है जो किसी को भी जब न्याय की ज़रूरत होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान इनके दरवाजे पे ज़रूर जाता है और ये अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, भले ही उनको किसी भी बड़ी चीज़ से उलझना पड़े, झगड़ना पड़े। उनको ईश्वर ने कई इतने समय में कई सारा आशीर्वाद भी दिया, लेकिन कई सारी तकलीफें भी दी है जो उनकी खुद के वजह से नहीं है, लोगों के लिए लड़ते हुए उनको वो तकलीफें मिली है। तो मैंने सोचा आज मैं इनसे बात करूँ। मैं बात कर रहा हूँ नागपुर के बहुत जाने माने वकील, द वन एंड ओनली एडवोकेट सुदीप जायसवाल। सुदीप भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या किराएदार के कुछ अधिकार हैं? किराएदार के काफ़ी सारे अधिकार हैं, जैसे अगर वो समय पे किराए दे रहा है तो उसे डिस्ट्रेस नहीं किया जा सकता या इविक्ट नहीं किया जा सकता, जिसको हम बोल सकते हैं साधारण भाषा में कि उठाकर बाहर नहीं फेंका जा सकता। उसका एक लीगल रेमेडीज अवेलेबल रह सकती है, अगर मकान मालक को किसी कारण से उस जगह की ज़रूरत है तो वो अपनी बोनाफाइड नीड, जिसको एक टर्म है बोनाफाइड नीड, कानूनन एक टर्म है बोनाफाइड नीड, उसे वो एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी बाय वे ऑफ एविडेंस। आप उसके साक्ष्य पुरावे देंगे, गवादार दोगे कि भाई मुझे इस जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये जगह की मुझे ज़रूरत इसीलिए है कि मुझे ये जगह के बगैर मेरा ये काम नहीं हो सकता, तो इसीलिए मुझे ये जगह वापस की जाए। ये जो टेनेंट है मेरा, ये भले ही मुझे किराया दे रहा है लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरत मुझे है और मुझे मेरे सामान की या मुझे मेरी दुकान की, जो मेरी अपनी मलकियत है, मैं उसी में ही व्यवसाय करना चाहता हूँ। तो ऐसी वो ज़रूरत जब साक्ष्य पुरावों के साथ में कोर्ट में देता है और कोर्ट मानता है कि इसकी ये जगह इसको वापस की जाए, तो 125-150 साल पुरानी भी दुकानें जो दिल्ली में कनॉट प्लेस या ऐसी कुछ जगहों पर थी, वो कनॉट प्लेस वगैरह जगह पर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने वो जगह ओरिजिनल मालिक को वापस की है, खाली करवाई गई है और ऐसे में वो जगह मकान मालिक के पास में वापस गई है। दरअसल टेनेंसी एक्ट जो हिंदुस्तान में है वो 1822 का है। अच्छा। और 1822 एक्ट है, ये हर बार इसका रिपेयर हुआ है, जिसको हम बोल सकते हैं अमेंडमेंट जो बोलते हैं जी, साधारण भाषा में उसको रिपेयर कहा जा सकता है। हर बार जब भी ये कानून में कुछ बदलाव लाना चाहा तो लेजिस्लेटिव असेंबली ने बोलो या पार्लियामेंट ने बोलो, इसमें कानून में बदलाव लाए हैं अपने समय के हिसाब से, और 1885 में इसमें कुछ रिफॉर्म्स आए थे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे हर 5 साल 10 साल 15 साल बाद में इसमें रिफॉर्म्स आते रहे। लास्टली इसमें 2019 में रिफॉर्म आया और अब 2019 का टेनेंसी एक्ट जो है वो लागू है हिंदुस्तान में। और ये एक्ट में बहुत सारी बातें जो है वो मकान मालिक के फेवर में कही गई है जी, बजाय किराएदार के। कानून का वो जो टर्म है टेनेंसी एक्ट, वो टेनेंसी एक्ट जो है वो कानून के अंदर में मकान मालिक के फेवर में ज़्यादा है बजाय किराएदार के, क्योंकि होता ऐसा भी है कई बार कि किराएदार जो है वो एक बार किराएदार करके अंदर आता है और वो अपने आप को मकान मालिक समझने लग जाता है। तो ऐसे में किराएदार के मकान मालिक न होने के बावजूद अगर वो अपने आप को मकान मालिक समझता है तो मकान मालिक के हितों की रक्षा के लिए भी टेनेंसी एक्ट में प्रोविजंस दिए गए और उन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए कानून ने टेनेंट्स को एक फोर कॉर्नर्स में बांध के रखा है। टेनेंट्स को भी मकान मालिक के अगेंस्ट में जाने के अधिकार हैं अगर मकान मालिक उनके साथ गलत करता है, अगर वो टेनेंसी में टेनेंट बराबर किराए दे रहा है या वो प्रॉपरली अपना वो दुकान में जहाँ उसने दुकान ली है वो दुकान में जिस काम के लिए वो दुकान ली है उसी काम को अगर वो चला रहा है तो मकान मालिक उसको बाहर निकाल कर नहीं फेंक सकता बाय वे ऑफ। अब आपने देखा होगा ऐसे कई बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि पुलिस को लोग कंप्लेंट करते हैं मकान मालिक, किसी तरह से पुलिस को मैनेज किया जाता है जी। पुलिस को बरगलाया जाता है
और मकान मालिक के हितों में आकर या मकान मालिक के फेवर में आके पुलिस वाले कई बार किराएदार का पूरा सामान बाहर निकलवा के फेंक देते हैं, लॉक कर देते हैं। और एक बार पजेशन अगर किसी के पास से चला गया तो उसको एस्टैब्लिश करने को और उसको वापस वहाँ रिपजेस करने को सालों साल बीत जाते हैं। सच बात। ऐसे में दुकान जो मालिक होता है या दुकानदार जो दुकान चलाता है जो किराए के पोजीशन में, उनकी बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है। सपोज कई बार ऐसा होता है कि कोई रेडीमेड गारमेंट की कोई शॉप चला रहा हो, 20 साल तक वो शॉप वहाँ चलाता है जी। 20 साल उसको नाम बनाने को लगते हैं और जब वो नाम बना लेता है, ऐसे में एक दिन मकान मालिक आता है और बोलता है कि भाई आप ये शॉप खाली कर दो क्योंकि अब मेरे लड़के को यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट की शॉप चलानी है। तो ऐसे में जब वो बात असल पे पहुँचती है और इस तरीके का कोई वाकया होता है और वो उठा के उसका पूरा सामान फेंक के अपने लड़के को वहाँ पे शॉप लगा देता है, तो उसके पास तो रेडीमेड कस्टमर्स आ जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसने 20 साल तक उस जगह पर शॉप के लिए अपने मेहनत जो की है जी, उसका रेम्यूनरेशन उसको कुछ नहीं मिलता जी। उसकी गुडविल जो होती है वो गायब हो जाती है। अपना मकान मालिक नया नाम लगा देता है लेकिन शॉप कस्टमर्स जो होते हैं उनको मालूम नहीं होता है कि भाई शॉपकीपर चेंज हो गया है, उनको चाहिए कपड़ा तो वहाँ से उनको वो कपड़ा मिल रहा है तो वो कपड़ा, और इसका दुकान ऑल ऑफ अ सडन डे वन से फ्लरिश होना चालू हो जाता है। सच बात। तो जो 20 साल की मेहनत है वो 20 साल की मेहनत का कोई मुआवजा टेनेंसी एक्ट में टेनेंट को नहीं मिलता जी। जो होना चाहिए कानूनन प्रोविजन होनी चाहिए कि भाई उसको उसका टेनेंसी एक्ट का जो 20 साल का जो उसने यहाँ पर इतना श्रम दिया है, खून दिया है, पसीना दिया है, मेहनत की है, उसका उसको देना चाहिए, वो नहीं मिलता। कानून में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं। हाल ही में आपने कहा कि कोविड में ऐसे कई लोग हैं जिनको टेनेंसी के अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। कई लोगों को गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप इनसे टेनेंट से टेनेंसी के पैसे मत लीजिए, रेंटल पैसे मत लीजिए, लेकिन सारे मकान मालिकों में से किसी भी मकान मालिक ने कोई भी टेनेंट को एक रुपए की रियायत नहीं दी। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया कि अगर आपके किराएदार और मकान मालिक के किसी एग्रीमेंट में ये लिखा है कि कोई नेचुरल कैलामिटीज, डिजास्टर्स या पेंडेमिक्स या एपिडेमिक्स आती है और वो पीरियड में ये दुकानें बंद रहेगी या ये शॉप एस्टेब्लिशमेंट बंद रहेगा, तो इसके वजह से दुकानदार या किराएदार जो है उसको रियायत दी जाए जी। जब तक ऐसा कोई डायरेक्टिव एग्रीमेंट दोनों के बीच में नहीं रहेगा तो किराएदार को कोई भी रियायत मकान मालिक न दे और वो अपना किराया लेने में सक्षम है पूरी तरह से। और यही कारण है कि आज के तारीख में आप देखोगे कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में इसी वजह से काफ़ी झगड़े हो रहे हैं और ये झगड़े क्रिमिनल स्वरूप ले रहे हैं, ये दीवानी स्वरूप के झगड़े नहीं रहे, अब ये फौजदारी स्वरूप के झगड़े हो चुके हैं जी। ये फौजदारी स्वरूप के झगड़े होने से कई बार आपने देखा कि मकान मालिक को किराएदार ने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मैं जानता हूँ कि पेट की आग इस दुनिया में सब क्राइम कराती है जी, दुनिया में पेट की आग ही ऐसी एक चीज़ है जिसके वजह से आदमी क्रिमिनल बनता है जी। दुकानदार जो किराएदार है या जो एक किराए के घर में रह रहा है, वो किराएदार जब उसको पिंच किया जाता है, बार बार उसके अस्मिता को चैलेंज किया जाता है, बार बार उसकी इमेज पर धक्का लगाया जाता है, वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मकान मालिक पर हमले करता है और मकान मालिक पर हमला करके उसको घायल करता है या उसको, और इस वजह से उसके ऊपर में क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर होते हैं। उसके क्रिमिनल ऑफेंस की अल्टीमेट सॉल्यूशन ये होता है कि मैं तेरा केस वापस लेता हूँ और तू मेरा मकान खाली कर। इल्लीगली इस तरीके से मकान खाली कराए जाते हैं जी। और यही कारण है कि ये केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इसके लिए पुलिस को चाहिए कि डायरेक्ट ऑफेंस न रजिस्टर करते हुए, उनके खिलाफ में कोई भी ऐसा एक्शन न लेते हुए, इनके लिए एक मीडिएशन कमेटी बनाई जाए ताकि उसमें समाज के कुछ 5 लोगों को, प्रतिष्ठित लोगों को जी, चाहे वो रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हो, चाहे वो कोई वकील हो, चाहे कोई सम्मानित नगर परिषद का अध्यक्ष हो या कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो जी, ऐसे लोगों को वहाँ पर उस कमेटी में लिया जाए और ऐसे मामलों को सॉल्व करवाया जाए अमिकेबली, ताकि ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और
ये घटनाओं की पुनरावृत्ति अगर नहीं होगी तो क्राइम रेट कम होगा। आज एक मकान मालिक को किसी ने मार दिया तो कल मकान मालिक बड़ा हमला लेकर किराएदार को मारता है जी। और ये नेवर एंडिंग स्टोरी हो जाती है और अल्टीमेटली होता है, एक हॉस्पिटल में होता है या एक कब्रिस्तान में होता है, या तो एक जेल में होता है और एक कब्रिस्तान में होता है जी। इसका एंडिंग ये होता है। ये एंडिंग्स ना हो, समाज का ये जो थ्रेड है, समाज का ये जो धागा है, एक बहुत महीन धागा है, जो न टूटे तो समाज में अच्छाई बनी रहेगी और मेरे जैसे लोगों की कमी लोगों को कम महसूस होगी। सुदीप भैया, एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात जो आपने, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि कई सालों तक एक दुकानदार एक दुकान में बहुत मेहनत करता है और उसके बाद एक लेगेसी तैयार करता है, एक रॉयल्टी तैयार करता है, और वो रॉयल्टी फिर एक दिन मकान मालिक आकर उसको हटाकर अपने बेटे को वो रॉयल्टी फ्री में दे देता है। पर ये भी तो एक तरीके, क्या क्या इसका कोई कानून नहीं है? मतलब अपार्ट फ्रॉम द प्लेस, जगह की मालकियत की बात और मकान मालिक के को किराए देने वाली बात अगर मैं थोड़ी सी बाजे रखूँ, तो क्या किसी की रॉयल्टी पे भी अपनी अपना हक फ्री में जमा लेना, ये भी तो एक तरह का कब्जा हुआ ना भैया? कब्जा हुआ, मैंने आपसे कहा कि वो रॉयल्टी के चक्कर में कई बार ये जो टसल मैंने आपसे, नहीं टसल अलग बात है, मैं आपको बोल रहा हूँ कानूनन, रॉयल्टी का कानूनन ऐसा कोई भी कानून नहीं है। वो बोलेगा भाई अपना बोर्ड लेके जा, तो अगर गुडविल है, ये गुडविल समझ लीजिए कि नेशनल ड्रेस मटेरियल सेंटर अगर किसी ने नाम डाला तो बोलेगा भैया नेशनल ड्रेस मटेरियल सेंटर, तू कहीं भी कॉल अगर तेरे को गुडविल चाहिए तो वहां पे मिलेगी। तो अपने कस्टमर्स को फोन करके बोल देगी भाई मैंने यहाँ पे जगह खोल लिया, दुकान खोल लिया, आप यहाँ आओ, तो गुडविल तेरी अगर वहां है तो वो वहां कैरी कर। मतलब गुडविल इंडिया में हाइपोथेटिकल है? हाइपोथेटिकल है एब्सोल्युटली, ये जब तक बिकाऊ नहीं है जब तक कोई उसको खरीदार नहीं मिलता। क्या ऐसे कोई कानून नहीं है या कभी सोचा नहीं लीगल सिस्टम ने या लॉ मिनिस्ट्री ने कि कभी कोई ऐसा कानून बनाया जाए? ऐसी कोई बात लेकर आज तक कोई गया नहीं होगा शायद, आज तक तब तक का लॉ मिनिस्ट्री हमारे यहाँ पे कानून के जो बनाने वाले लोग हैं वो सबसे स्लोवेस्ट, मतलब इन्हें अमेंडिंग करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पर गैर जरूरत की चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, जबकि तवज्जो उन चीज़ों को देनी चाहिए जो सही में ज़रूरत की चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो है, हमारे यहाँ किराएदार मकान मालिक के डिस्प्यूट्स जो है, हमारे यहाँ लैंड एंड प्रॉपर्टी के एक्विजिशन के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए, बजाय उसके कि दूसरे जो गैर जरूरत की चीज़ें हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। मैं उनको डिटेल में नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं एक लॉ फ्रेम में बैठा हुआ इंसान हूँ जी, और मेरा बोलना या मेरा कमेंट करना उस बात पर वो सही नहीं, है, इसीलिए मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करता हूँ और इसको सम अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया लीगल तरीके से किराया कैसे लिया जाता है? लीगल यानी आपका एक एग्रीमेंट है, एक टर्म है आपकी कि भाई आप इस दिन को आप पैसा दोगे। अगर कोई किराएदार अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो स्मॉल कॉजेस कोर्ट में उसकी केस की जाती है कि भाई मेरा रिकवरी ऑफ रेंट की एक केस की जाती है, और रिकवरी ऑफ रेंट और डिस्ट्रेस उसका अगर वो नहीं दे रहा है तो डिस्ट्रेस वारंट लेके उसको उस जगह से खाली भी कराया जाता है और उसका जो सामान है वो सामान जब्त करके, उसके पर्सनल एसेट्स में से सामान जब्त करके या कुछ पैसा सीज करके कोर्ट उसको रिकवर करके देता है। किराया, मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, किराया लेने का लीगल तरीका क्या है? ये अग्रीमेंट ठीक है, क्या इसकी भी रिसिप्ट दी जाती है? हाँ, रिसिप्ट आफ्टर नोटबंदी मोदी जी कहते हैं कि आप जो भी पेमेंट करें वो अकाउंट में करें, बिल्कुल लीगल ट्रांजैक्शंस करें, पर हमारे यहाँ एक जनरेशन टू जनरेशन चीज़ निकलती आई है, बड़ा ट्रेडिशनल मार्केट है हमारा, यहाँ पर दुकानदार जो जो किराएदार है वो अपने मकान मालिक को घर पे या दुकान मालिक जो है उसको किराया कैश में देता है। देखिए आपको मैं, मोदी जी का बोलना अपनी जगह पर ठीक है कि 2016 के बाद में, नोटबंदी के बाद में आप लीगल ट्रांजैक्शंस कीजिए, बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान का जो मार्केट है वो कैश फ्लो का मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट है, जो आज भी हमारे यहाँ लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या कोई और कार्ड पेमेंट से पेमेंट करना जी, ये हमारे देश में हार्डली 10% लोग भी नहीं करते हैं। सही बात है, हमारे 90% लोग
घर की अगर कोई महिला है वो अगर सब्जी लेने जा रही है जी तो साथ में कार्ड नहीं लेके जाती, क्योंकि ठेले वाला जो बंदा है जो उसके हमारे पास घर के मशीन नहीं सामने, है, उसके पास में मशीन नहीं है, उसके पास में कोई कार्ड पेमेंट की कोई सुविधा सिचुएशन नहीं। नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो वो आपको बोलेगा मैडम ये मेरे पास में इसकी सुविधा नहीं है, आप मुझे कैश पैसे दो तो मैं अपना काम करूँ। जी तो कैश पेमेंट से हमारा पूरा मार्केट चलता है, ये हमारी पैरेलल इकोनॉमी है, यानी जो बैंक में जो पैसे वो और जो कैश में जो पैसे, ये पैरेलल इकोनॉमी है। उल्टा कैश का जो पैसा है वो ज़्यादा फ्लो करता है मार्केट में बजाय बैंक से फ्लो करने के। इसीलिए एक सुविधा दी गई है मकान मालिक और किराएदार के बीच में कि एज सुन एज मकान मालिक को किराएदार कैश में पे करे तो वो उसकी एक रिसिप्ट उसको देता है, जो रिसिप्ट एक सादी रिसिप्ट बुक होती है जिसमें मकान मालिक 20 पैसे का स्टैंप लगा के उसको लीगलाइज करता है और उस पर अपनी सिग्नेचर मार के उसको रिसिप्ट हैंड ओवर करता है, और ये लीगल पेमेंट है। अच्छा, इलीगल पेमेंट पर जो किराए जो मकान मालिक ऐसी रिसिप्ट नहीं देते हैं, तो वहां पर ये जब इस तरीके के इश्यू आते हैं तो मकान मालिक बोलता है कि भाई मैंने इसको इतने साल तक का इसने मेरा पेमेंट नहीं किया, तो कोर्ट पूछता है कि भाई आपने इतने साल तक पेमेंट नहीं किया तो भी आप क्यों शांत रहे। जी तो वैसे समय में उसको एस्टैब्लिश करना पड़ता है कि वाकई में मुझे मेरे किराएदार ने पैसे नहीं दिए, और किराएदार को एस्टैब्लिश करना होता है कि मैंने इसको पेमेंट की है और इसका मेरे खाता बही बुक में या लीगल जो मेरे इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स है वहाँ मैंने इसको रिफ्लेक्ट किया है कि मैंने इतना रुपए इनको दिया है, तो वो है, वो रिफ्लेक्शंस के अधिकार है। अच्छा, अगर कोई मकान मालिक अपने किराएदार के साथ अग्रीमेंट नहीं बनाता है, डिपॉजिट के पैसे ले लेता है, हर महीने रेंट लेता रहता है, कई बार रेंट लेट होता है तो लेट रेंट लेता है, पर रेंट लेता रहता है, लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 11 मंथ्स, जो हमारे यहाँ 11 महीने की रेंट के अग्रीमेंट की सुविधा है, 11 महीने होता है, मैं रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर में अगर वो अग्रीमेंट नहीं बनाते हैं, सिर्फ पैसा दिया जाता है पक्के में, है ना, ट्रांसफ़र किया जाता है अकाउंट में, और फिर भी जो लैंडलॉर्ड है वो अग्रीमेंट नहीं देता, तो ऐसी सुविधा में क्या होता है? देखिए 11 महीना एक मिथ है, हमारे यहाँ पर एक मिथ फैलाई गई है कि 11 महीने का ही एग्रीमेंट किया जाए, ऐसा कोई टेनेंसी के अंदर में ये रूल नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बूटी सिनेप्लेक्स जो पहले स्मृति सिनेमा घर हुआ करता था जी, ये 30 साल के लिए दिया गया था टू दी ओनर्स ऑफ स्मृति थिएटर, और उसके बाद में उनको खाली कराया गया और आज वहाँ बूटी सिनेप्लेक्स है जी। ये एक हमारे यहाँ का एक उदाहरण है कि लैंडलॉर्ड चाहे तो अपनी ज़मीन किसी को भी एन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए दे सकता है रेंट पे, कहीं कोई ऐसा कानूनी पचड़ा नहीं है कि आपको 11 ही महीने देना है। चलिए, ये एक मिथ फैलाई गई है, ठीक है, कि लेकिन जो 11 लेकिन जो अग्रीमेंट्स बनते हैं, जो एग्रीमेंट्स जो, ये देखिए मैं आज बोलना नहीं चाहूंगा, मेरे पेट पर डायरेक्ट लात में मारने वाली बात है, थोड़ा घास से दोस्ती कर लेना तो खाएगा क्या, लेकिन ये हमारे वकीलों के द्वारा फैलाया गया एक मिथ है जी। कि भाई आप 11 महीने के 11 महीने एग्रीमेंट करो तो आप 11 महीने के 11 महीने रिकरेंटली उनके पास आप जाओगे और एक एग्रीमेंट बनाओगे तो उससे वकील का पेट भी चलेगा। अच्छा, वकील भी एग्रीमेंट बनाने के कुछ पैसे लेगा और आपको एग्रीमेंट बनाकर आपको वापिस वो दे देगा। तो रेसिडेंशियल अग्रीमेंट कितने का होता है? ऐसा कोई ईयर फिक्स नहीं है, ऐसा कोई टर्म फिक्स, पर अग्रीमेंट बनना जरूरी है, एग्रीमेंट बनना जरूरी है, और अग्रीमेंट ना बने तो भी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे भी कई बार होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे भी है जो पार्टनरशिप डीड करते हैं, उनकी पार्टनरशिप म्यूचुअल होती है, और ऐसे कई लोग है जिनकी सालों साल से ये पार्टनरशिप म्यूचुअली चल रही है और लीगली चल रही है, उनके पास में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कोई भी लीगल पार्टनरशिप डीड नहीं है। पर ओरल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में पार्टनरशिप होना और एक ओरल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में घर का यू नो रेंट पे लेना और उसका रेंटल कच्चे में नहीं पक्के में आना, हाँ, क्या अपने आप में एक सवाल नहीं उठाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आप देखिए, मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि कैश फ्लो जो है हमारे यहाँ का, इट्स ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन बिटवीन रिसीवर एंड गिवर। तो उसी तरीके का आपने, आपको मालूम नहीं होगा तो शायद मैं आपको बता दूं कि लाखों करोड़ों रुपए के सौदे 1 रुपए के टोकन पे होता है, वो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होती है एक पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ में, बराबर 1 रुपए के टोकन पे करोड़ों रुपए का व्यवहार होता है जी, और वो लीगली होता है
जी कि भाई आपसे मैंने इस रुपए के अंदर में इस प्रॉपर्टी को खरीदा है, ये 1 रुपए का मेरा आपके साथ में टोकन, जी और उसके बाद में वो लीगली पेपर में नोटिस इश्यू करता है कि भाई इस प्रॉपर्टी को मैं खरीद रहा हूँ, आपका इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा या आपने इसमें कोई इसको गिरवी रखा है, कुछ रखा है, तो जिस किसी का भी इस पर हक हो आप मुझसे 7 दिन में आके मिले, और उस 7 दिन में अगर कोई नहीं मिलता है वो सौदा पक्का होता है, रजिस्ट्री होती है उसकी, बकायदा पूरा पेमेंट होता है। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो होता है, इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। और अगर ब्रीच होता है तो? ब्रीच होता है तो कानून उसके लिए है, कोर्ट में जा सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई इस तरीके का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ था। और जो लैंडलॉर्ड कानून को हाथ में लेता है? कानून में हाथ में लेता है तो उसके लिए भी कानून है। नॉट जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल वायलेंस बट ऑल्सो ओरल वायलेंस जो होता है उसका, उसके लिए भी कानून में आईपीसी में धारा है 323 है, 506 है, 294 है। अगर कोई गाली गलौज करता है तो 294 जान से मारने की धमकी देता है तो 506, कोई हाथाभुकी करता है मारपीट करता है हाथ से तो 323 है, अगर कोई औजार से मारपीट करता है तो 324 है, कोई डंडे या ऐसे ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार के हाथ पैर फ्रैक्चर करता है तो 325 है। उसके ऊपर अगर जाता है कि जान लेने की कोशिश करता है या अटेम्प्ट करता है तो 326 307 है, और अगर मर्डर कर देता है तो आपको तो मालूम है उसकी धारा क्या है। सही बात। तो हमारे एक व्यूअर हैं, उनका नाम है योगेश कटकम्बर, वो आपको इस वक्त देख रहे हैं। उनका सवाल है आपसे कि नोटरी अग्रीमेंट इज वैलिड इन कोर्ट? यस। और ओनली रजिस्टर्ड अग्रीमेंट हैज वैलिडिटी? रजिस्टर्ड अग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी। रजिस्टर्ड अग्रीमेंट एक सेफ साइड होने के लिए रहता है, लेकिन नोटरी अग्रीमेंट, इवन प्लेन अग्रीमेंट इन बिटवीन टू विदाउट देयर बीइंग एनी नोटरी इज आल्सो वैलिड। इट्स आल्सो वैलिड। यस। टिल द टाइम दोनों में डिस्प्यूट ना हो। यस। जब मकान मालिक के हम लैंडलॉर्ड्स के हम इसकी राइट्स की बात करते हैं तो उनको 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें उनको और क्या क्या एक एक्स्ट्रा अधिकार मिला या एक्स्ट्रा राइट मिला या जो शायद एक टैलेंट के लिए काफ़ी कमज़ोर साबित हुआ? मैंने कहा ना आपसे कि लैंडलॉर्ड को इस समय में मोर पावरफुल देन प्रीवियस ये था। प्रीवियसली जो एक्ट था उसमें टेनेंट्स को ज़्यादा पावर थे, लेकिन इस बार जो अमेंडमेंट हुआ उसमें लैंडलॉर्ड्स को ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया है कि वो अपनी बोनाफाइड नीड को एस्टेब्लिश करके किसी भी किराएदार को मकान मालिक मकान खाली करा सकता है, भले वो इयर्स टुगेदर उसके साथ में वहाँ पर रह रहे हुए। ओके। जब दुकानदारी की बात आती है तो दो लोग एक अग्रीमेंट बनाते हैं, आप बोलते हैं वो अग्रीमेंट उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, म्यूचुअली भी होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अग्रीमेंट बनाते हैं, 3 साल का अग्रीमेंट होता है, दुकानदारी होती है, दुकानदारी चल जाती है, उसके बाद फिर 3 साल के बाद जो टेनेंट है उसको ऐसा लगता है कि उसको कंटिन्यू करना है, लैंडलॉर्ड मना कर देता है, एट दैट सिचुएशन एक टेनेंट ने क्या करना चाहिए? टेनेंट ने उसका एग्रीमेंट में अगर लिखा है कि 1 मंथ नोटिस देके उसने उसको एक्सटेंड करना चाहिए तो टेनेंट ने एक्सपायरी होने के पहले अपना नोटिस इशू करना चाहिए कि भाई मुझे ये टेनेंसी एक्सटेंड करना है, या तो वो अपने आप को उतने समय तक का उसमें रखेगा ही, ऐसा पहले ही अगर ज़्यादा समय का अगर टेनेंसी का अगर एग्रीमेंट बना लिया तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जनरली होता यही है कि कम समय का टेनेंसी एग्रीमेंट बनाते हैं लोग, और जब वो एस्टेब्लिश हो जाता है तब वो लैंडलॉर्ड की नीयत भी खराब हो जाती है, और उसको कुछ ऐसे भी लोग आके मिल जाते हैं कि भाई ये फला आदमी आपके यहाँ पे 5,000 रुपये महीने से आपको लिया है, मैं इसके जगह पर आपको 10,000 रुपये देता हूँ, तो आदमी लालची होता है, हर इंसान लालची होता है, वो 10,000 रुपये के एवज में उसको खाली करा के उसको दूसरे आदमी को वहाँ पे बैठा देता है। कई सारे लोग कब्जा जमा लेते हैं, कब्जा अपने आप में एक इलीगल एक्ट है, लेकिन वो कब्जे के चक्कर में वायलेंस होता है, तो एक लैंडलॉर्ड ने क्या तरीका अपनाना चाहिए? लैंडलॉर्ड के पास में बहुत सारे एविक्शन की केस कर सकता है, और एविक्शन की केस आजकल स्मॉल कॉजेस कोर्ट में चलती है, एविक्शन होता है, सिविल कोर्ट में मैटर्स चलते हैं, और बहुत जल्दी फैसला होता है आजकल। आजकल वो दिन चले गए जब सालों साल केसेस चल रही है और अब वो सब चीज़ें चली गई, अभी तो बहुत फास्ट डिसीजन होते हैं। मैंने आफ्टर लोक अदालत जो 2011 में चालू हुई जी, तो बहुत सारे मैटर्स डिस्पोज ऑफ हो जाने की वजह से अब पोजीशन ऐसी है कि आप डालो केस, साल 2 साल 3 साल में केस का फैसला हो जाता है। नागपुर की एक बड़ी
पॉपुलर एंड फेमस स्किन डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर राजश्री चौधरी, वो इस वक्त आपको देख रही हैं और उनका ऐसा पूछना है कि व्हाट्स द मैक्सिमम टेनेंसी अग्रीमेंट अलाउड. इट्स नॉट नंबर्ड इन फिगर. यू कैन हैव 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, एन नंबर ऑफ ईयर्स यू कैन पुट, बट इट शुड बी लीगली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट. इट शुड बी लीज रेंटल एग्रीमेंट. दैट कैन बी 99 ईयर्स ऑल्सो. इवन 99 ईयर्स. इवन 99 ईयर्स. यस. ओके. अब मुझे एक चीज़ बताइए कि एक मैं थोड़ा सा लेमैन वाला सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आप इतने एक सवाल फिर आ गया आपके लिए. हु पेज द GST एंड प्रॉपर्टी टैक्स, लैंडलॉर्ड और टेनेंट? टेनेंट. प्रॉपर्टी टैक्स इज टू बी पेड बाय लैंडलॉर्ड, बट GST हैज टू बी पेड बाय द टेनेंट बिकॉज ही इज टेकिंग सर्विसेज ऑफ द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी. ये एक नई चीज पता चली है, ये लोगों को नहीं पता. जी. और ये GST जो होता है, ये प्रॉपर्टी टैक्स का जो हर साल हर महीने हर क्वार्टरली आता है, हर साल आता है, उसका GST इनको भरना पड़ेगा. ओके. क्या ये चीजें अग्रीमेंट में होती हैं? यस यस. ओके. आजकल होती है, क्योंकि पहले नहीं होती थी, क्योंकि पहले इन सब चीजों के मायने नहीं थे, लेकिन अब ये सब चीजों के मायने आ गए, तो इसलिए अब ये, इसलिए 2019 का जो अमेंडमेंट आया है वो इसी पर्पज को लेकर आया हुआ है. How to pay the taxes and who has to pay the bear, who has to bear the taxes. Okay. एक सिचुएशन जिसमें मुझे कल फोन आया था कि एक परिवार रह रहा है एट अ प्लेस जहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है वो आकर क्योंकि उसको रेंट नहीं मिला, वो आकर फैमिली को थ्रेटन करता है, गालियाँ देता है, और बार बार हस्बैंड को फ़ोन जब नहीं मिला पाता, हस्बैंड का फ़ोन जब कनेक्ट नहीं हो पाता, तब वाइफ को बार बार फ़ोन करता है, क्योंकि जब उसने घर दिया था तो उसने वाइफ ने जाके पता किया था कि घर किराए पे मिल रहा है, तो वाइफ से पहली बार उससे मुलाकात हुई थी, वाइफ को बार बार फ़ोन करता है, एंड नाउ वाइफ हैज़ गॉट अ लिटिल अपसेट विद इट. तो इज दिस हैरेसमेंट? इज दिस, इट्स अ क्लियर केस ऑफ 354. इट्स अ क्लियर केस ऑफ मोलेस्टेशन बाय वर्ड्स, एंड देयरफॉर शी कैन ऑलवेज लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड फॉर मोलेस्टेशन. ओके. भैया एक लेमैन वाला सवाल, आपको क्या लगता है कि इंडिया में क्या इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जो जिस किस्म से सरकारें बैठती हैं, इतने आप इतने वरिष्ठ वकील हैं, आपको क्या लगता है कि कई हज़ारों लाखों करोड़ों लोग जो हैं उनके पास उनका खुद का घर नहीं है, उनके पास उनकी खुद की दुकान नहीं है, उसकी मेन वजह क्या है? देखिए, बेसिकली हिंदुस्तान जो है एक बिलो पॉवर्टी लाइन वाला देश है. देश के अंदर में अभी प्रोग्रेस हम लोग कर रहे हैं. वी आर नॉट ए प्रोग्रेस्ड कंट्री, वी आर अंडर डेवलप्ड कंट्री. अंडर डेवलप्ड होने की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है रोजगार बढ़ाने की. तो जैसे जैसे रोजगार बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी आ रही है तो लोग धंधा, लेकिन जिन लोगों के पास में ओरिजिनली जो पहले से ही एस्टैब्लिश थे, उन्होंने अपने अपनी प्रॉपर्टीज मेन मार्केट्स में या एस्टैब्लिश्ड मार्केट्स में लेके रख ली थी. अब ऐसे सिचुएशन में वो लोग उस मार्केट में जब वो कोई आता है, इस तरीके का नया एंटरप्रेनर आता है या जो नया डेवलप कर रहा है अपने बिजनेस को, जब वो आता है तो ऐसे आदमी को ये लोगों से कांटेक्ट करना पड़ता है, और फिर वो टेनेंसी और लैंडलॉर्ड वाला केस वहाँ से शुरू होता है. तो हर आदमी के पास में ज़मीन नहीं है. हिंदुस्तान में आउट ऑफ 135 करोड़, ओनली 65 करोड़ पीपल आर हैविंग लैंड. जी. रेस्ट ऑफ द पीपल 70 करोड़ आर नॉट हैविंग लैंड. तो 70 करोड़ जो लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं गवर्नमेंट ने की है, जिसमें सिर्फ 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, सिर्फ 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, या फिर जो लैंडलेस या विदाउट होम रहते हैं उनके लिए जो घर बन रहे हैं, तो उनके लिए भी घर बनने के बाद में उनको घर दिए जा रहे हैं, लेकिन उनको घर देने के बाद में उसका एक अमाउंट पे करना पड़ेगा उनको. जी. वो अमाउंट भले घर उनका है लेकिन गवर्नमेंट उसकी मालिक है, और इनको अमाउंट पे करना है उसके लिए बाय वे ऑफ इंस्टॉलमेंट. आपको नहीं लगता कि जितने बिल्डर्स हैं शहर में और जितने फ्लैट्स खाली हैं बिल्डर्स के, अगर बिल्डर्स जो किराए में जो लोग रहते हैं घरों में, अगर उनको वो घर देना शुरू करें, और 20 साल का 25 साल का लोन तो बैंक भी देती है, अगर उसको 50 साल कर दें, और जो बिल्डर है वही अगर हर महीने किराया के फॉर्म में EMI लेता रहे, तो एक ना एक दिन किराए लेने वालों का घर नहीं बन जाएगा? देखिए, इस पर अभी तक का गवर्नमेंट ने कोई विचार नहीं किया है.
पर अगर ये सजेशन होता तो? ये सजेशन होता तो इस पर लॉ मिनिस्ट्री ने इस सजेशन को गौर करना चाहिए। और देखिए, बिल्डर को चाहिए कि उसने आज अपनी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाया तो उसको चाहिए कि वो प्रॉपर्टी का उसको इमीडिएट रिटर्न्स मिले जी। बैंक्स नहीं चाहती कि ऐसे किसी सिचुएशन में, बैंक्स देती है ना होम लोन देती है जी। बैंक बोलती है कि भाई आप हमारे पास आओ, हम होम लोन देते हैं आपको, हम गारंटी एज ए वो होम की लेके बिल्डर को पेमेंट करके, तो बैंक देती है पैसा। बैंक नहीं नहीं बोलती है, बैंक 90% पैसा देती है। बट आप उसके लिए आपने अप्रोच करना चाहिए बैंक को। बैंक आपके घर तो नहीं आएगी कि भाई आप होमलेस हो तो हम आपको होम दिला देते हैं, आप हमारे से टाई अप करो, ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो आपको जाना पड़ेगा बैंक के पास। भैया, बिकॉज ऑफ कोविड अ लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर बिजनेसेस, अ लॉट ऑफ पीपल हैव बिकम जॉबलेस। लीगल पॉइंट व्यू से क्या ये मकान मालिक और किराएदार के बीच में ये जो पूरा का पूरा इस वक्त जो ये यू नो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डिफरेंस ऑफ डिफरेंसेस आ गए हैं और लोगों के पास नहीं है पैसे किराएदार को देने के लिए और किराएदार अलग लेवल पे प्रेशर कर रहा है, क्या एक पब्लिक लिटिगेशन फाइल की जा सकती है जिससे शायद जो दैट वाज ऑलरेडी बीन फाइल्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी डिसमिस्ड इट बाय गिविंग अ वर्डिक्ट दैट इफ इट इज वो क्लॉज वाली बात जो है देयर तो देन ओनली यू विल गेट एन एग्जम्पशन, अदरवाइज इट विल नॉट बी। वो है, वो जजमेंट है। पर भैया ये आपको आप एज अ लॉयर नहीं, लेमैन और एज अ सिटीजन, आई कैन सिट एज अ सिटीजन, इट मस्ट इट इज माय रादर आई कैन से दैट इट्स माय ओपिनियन, आई एम गिविंग अ सजेशन टू द गवर्नमेंट दैट दे शुड फॉर्म सच टाइप ऑफ लॉ बिकॉज दे आर इन लेजिस्लेटिव असेंबली, दे शुड फॉर्म अ लॉ दैट such type of thing should be there. But government भी सिर्फ मुंह से बोल रही है, like schools के लिए हो रहा है जो अभी हाल ही में जो schools के लिए चल रहा है कि no fees no school जी, तो वो जो चल रहा है government बोल रही है, लेकिन उसके बावजूद CBSE या IB boards जो है उन schools के लोग, उन schools के संचालक आज भी लोगों से पैसे parents को परेशान कर रहे हैं और parents से पैसे ले रहे हैं। संदीप अग्रवाल जी का no fees no school का, उनका legal advisor हूँ मिस्टर संदीप अग्रवाल का। अच्छा, and I have filed a public interest litigation in High Court which will be listed within a day or two जी for honorable High petition Court. Yes. उनके सामने that is the petition which I have filed. Okay. Sandeep Agarwal is the petitioner. Right. I am the lawyer for Sandeep Agarwal. Right. Amazing. And I'm sure it will be in the favor. It can be considered. एक सवाल और है आपसे कि we have a viewer, he asked his question before, but Yogesh Katkambar wants to ask कि he is running a business center and he says we give membership to use the facility in our business center like space with all amenities. Is this a valid way or we have to execute agreement or service agreement? You have to execute a service agreement. You okay. don't have to execute a tenancy agreement. Tenancy agreement because a person who wants to have a short term period. It's a 3 to 6 months thing. 3 to 6 months or 1 month, 2 months, 7 days, even 7 days ke liye bhi business center log lete hai. Ji. So you should have to have a service agreement. After this you should have to remove yourself from here. Okay. It's a service agreement. You should not have to have a tenancy agreement because you are providing service to him and for that purpose you are charging GST also. Okay. This would be my last question to you. Yes. Your suggestions to all the landlords and your suggestion to all the tenants who are watching you right now or who will watch you with on the next watch parties and things like that. Your suggestion to them. My suggestion is that the landlords should execute the agreements with certain clarity that such and such thing will be there, no extension will be granted if granted on such and such terms and conditions, and it should be registered agreement. Without there being any registered agreement, most of the part what happened ki hum lawyers aapko ek agreement bana kar dete hain, aap us agreement ki copy kar lete ho. एक नया टेनेंट आपके पास में, आपने उसके एग्रीमेंट की कॉपी कर ली, क्यों लॉयर के पास में जाए जी और क्यों उसमें नए क्लॉजेस लगाए? कई बार ऐसा होता है टाइपोग्राफिकल एरर्स होने के वजह से कानूनन पछड़े बढ़ते हैं जी, तो ऐसे ना करें, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करें। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने के दो फायदे हैं,
एक तो आपको एस्टेब्लिश नहीं करना पड़ता कि भाई इसका टर्म खत्म हो गया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जिस दिन खत्म हो गया उसी दिन वो टेनेंट खत्म हो गया। जी दूसरा, आपको एविक्शन के लिए केसेस डालनी नहीं पड़ती। मैक्सिमम टाइम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट खत्म हो गया, भाई आपने नोटिस दिया, ही हैज टू गो, देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट विद द टेनेंट। सेम इज द केस विद टेनेंट। टेनेंट्स ने भी अपने मालिक से, मकान मालिक से एक अच्छे टर्म के लिए, मतलब टर्म, एक बड़ा टर्म ले लीजिए आप। आपको मालूम है कि आपके बिजनेस को 3 साल लगेंगे एस्टेब्लिश होने के लिए। 3 साल बाद जब आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाएगा तो आप एस्टेब्लिशमेंट को वहां से रिमूव नहीं कर सकते। तो आप वो चीज ना करें, आप एक लंबे समय के लिए टेनेंसी का एग्रीमेंट करिए, ताकि आपके और मकान मालिक के बीच में कोई झगड़ा फसाद ना हो। और इसको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कीजिए, इसको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कीजिए। भले एग्रीमेंट किसी भी तरीके का हो, लेकिन उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। मैंने कहा क्लियरिटी होनी चाहिए, टर्म्स एंड क्लॉजेस जो भी है आपके, उसको टर्म्स एंड कंडीशंस को वेरी क्लियर एंड वेरी अनएम्बिगुअस तरीके से लिखा जाए। एम्बिग्यूटी के साथ में बहुत सारी चीजें लिखी जाती है, लेकिन वो अगर एम्बिग्यूटी के साथ में नहीं लिखी गई, अनएम्बिगुअस अगर उस चीज को लिखा गया तो वो पक्के में वो एग्रीमेंट को स्टैंड करेगा। दोनों पक्षों को मजबूती से अपना पक्ष रखने का कोर्ट में वक्त मिलेगा, और कोर्ट एक सही निर्णय पे पहुंचेगा कि किसका पक्ष सही है, और कोर्ट उसके फेवर में निर्णय लेगा। भैया आपने अपना वक्त दिया, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, आपने मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे लैंडलॉर्ड्स की हिम्मत भी बड़ी होगी जिनके साथ अन्याय हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे टेनेंट्स भी हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, शायद उनको भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज राज की बात में हमने एक बड़े इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करी, क्योंकि बात करना ज़रूरी था। कोविड का पीरियड था, और कोविड के पीरियड में एक एक अलग किस्म की वाइब चल रही है, और वो वाइब जो है वो नेगेटिविटी की वाइब है। वो नेगेटिविटी की जो वाइब है वो बहुत सारे टेनेंट्स को परेशान कर रही है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर किराए पे लिया हुआ है, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुकान किराए पे ली हुई है, दुकानों का बिजनेस नहीं चल रहा, वो रातों की नींद हराम हो चुकी है, दिन का चैन, भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, ऊपर से कानून आ जाते हैं कि आप अपना चेकअप कराओ तब आप बिज़नेस कर पाओ, कहीं ऑड इवन का चक्कर है। और बिजनेसेस कई ऐसे हैं जहां पर लोग निकलकर बाहर आ नहीं रहे हैं, रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस है जहां लोग पार्सल नहीं ले रहे हैं, सलून का बिज़नेस है जहां पर लोग दुकानों में घुस नहीं रहे हैं, कपड़ों की दुकानों में लोग घुसने के बारे में हज़ार बार सोच रहे हैं, कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जो चल रहा है। सिर्फ नौकरी पेशा जो लोग हैं वो शायद थोड़े खुश हैं, नहीं तो ऐसी कई सारी नौकरी पेशा लोग हैं जो आज आधी सैलरी में अपना जीवन बिता रहे हैं, और वो आधी सैलरी में वो घर का चलाएं, अपने घर के लिए अनाज खरीदें, अपने बच्चों के लिए दवाइयां लें, अपने बूढ़े माता पिताओं की हेल्थ को लेकर दवाइयां उनकी खरीदें, बच्चों के लिए खाने की अच्छी चीज़ें खरीदें, उनकी स्कूल की फीस भरें कि घर का किराया भरें। सवाल जो है वो अपने आप में बहुत सारे लोगों को भयभीत कर देता है, लेकिन ये सवाल पहली बार आया है, पहली बार इतनी बड़ी देश के सामने में समस्या आई है। और जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं, जितने भी मकान मालिक हैं, जितने भी दुकान मालिक हैं, आप भी भारत का हिस्सा हैं, आप भी भारत में ही रहते हैं। कई बार दिवाली आ रही होगी और आपको मकान, आपके यहाँ जो किराएदार है उसने किराया नहीं पहुँचाया होगा, और आपने जब उसको बोला होगा कि यार मैं अपनी दिवाली नहीं मनाऊँ क्या, उसने कैसे भी करके आपको पैसे जमा करके दिए होंगे सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके यहाँ दिवाली है। उसने कई बार जल्दी किराया दिया होगा सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके यहाँ शादी है। वो भी काम करता है, वो भी मेहनत करता है, उसके भी घर में लोग रहते हैं, उसके भी परिवार है, उसके बच्चे हैं, उसके माता पिता हैं। आपको क्या लगता है, बस 2 मिनट का गुस्सा, 2 मिनट का वो गुरूर आना कि मैं तो लैंडलॉर्ड हूँ, मैं तो मकान मालिक हूँ, मैं तो दुकान मालिक हूँ, 2 मिनट में फेंक दूंगा, 4 लड़के भेज दूंगा, गुंडागर्दी कर दूंगा, बूढ़े माता पिता को रास्ते पे फेंक दूंगा, तुम्हारा सामान रख लूँगा। आप बोल तो देंगे, पर बात ये भी है कि एक दिन जो आज आपकी दुकान चला रहा है, आपको हर महीने किराया भर रहा है, लेट दे रहा होगा पर दे रहा है, जो आपके घर में रह रहा है किराया लेट दे रहा होगा पर दे रहा है, वो एक दिन तो सक्षम बन जाएगा। और दुनिया एक चक्र है, आज आप किसी का बुरा करेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपका अच्छा होगा? न्यायपालिका भले आपके साथ रहे, आपके आपके सबसे बेस्ट वकील आपके साथ रहे, आपके सबसे अच्छे पुलिस के दोस्त और सबसे अच्छे गुंडे भी आपके साथ रहेंगे,
तो भी एक दिन जो कमज़ोर है वो शक्तिवान शक्ति वाला बनेगा, और उस दिन आप क्या करेंगे इसके बारे में आज आप सोचिए। समझदार को इशारा काफ़ी है। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात दिन रात की बात, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जिंदा रहें। जय हिंद।